हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। ये एक कटोरी हमने मसूर की दाल ली है, ये देखिए। इसको हम अच्छे से धो के 2 से 3 घंटे तक के लिए इसको पानी में भिगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमने पानी में भिगाने के लिए रख दी हुई है 2 से 3 घंटे के लिए। अब इसको हम अलग से रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी में भी निकाल सकते हैं 1 घंटे में ही। उसको पीस सकते हैं। ये हमने 3-4 प्याज काट लिए हुए, और ये कुछ कलियां हमने 6-7 कलियां लहसुन की ली है, और थोड़ा सा हमने अदरक लिया है ये, और 3 मिर्च के आसपास हरी मिर्ची ली है हमने। अब हम इसका मिक्सी जार में मोटा मोटा पेस्ट बना लेंगे, दरदरा सा। ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं करना है। ये मिक्सी में हमने इसको पीस लिया हुआ, कुछ हिस्सा हम इसके निकाल के रख देंगे। हम इसका 3/3 हिस्सा निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें छोड़ दिया हुआ, देखिए थोड़ा सा हमने इसमें छोड़ दिया हुआ। अब हम इसमें जो हमारी मसूर की दाल है उसको इसमें पीस लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच के आसपास, थोड़ी सी हल्दी, और ये 1 चम्मच के आसपास हम लाल मिर्ची डालेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, दाल को हमने पीस लिया हुआ। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, थोड़ा सा तेल हम इसमें डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। 1 तेज़ पत्ता, थोड़ी सी हमने ये दालचीनी ली है, और ये 2 लौंग है, और ये 1 साबुत मिर्ची है। इसको हम 2 टुकड़े कर लेंगे, और 1 चम्मच के आसपास ये जीरा है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे। हमने लहसुन प्याज का पेस्ट रखा था, वो डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा मसाला हो रहा है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम दाल में भी डाल चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम मसाले को भूनेंगे। ये देखिए, हम कम तेल में बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं ज़्यादा तेल नहीं डालते। आपकी इच्छा है, जो जितना तेल डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, लेकिन कम तेल डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे शरीर के लिए भी ठीक रहेगा। ये देखिए, ये हमारा मसाला हो चुका है लगभग। हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा होता, वो डालेंगे अब इसमें। ये हम 2 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए, ये हमने छन्नी ली है, इसके हम ऊपर तेल लगाएंगे, तेल या रिफाइंड जो भी होगा वो लगाएंगे। अगर आप रिफाइंड लगाना चाहें रिफाइंड लगा सकते हैं, मैंने इसमें तेल लगाया है। इसके ऊपर रख देंगे हम, और जो हमने दाल का जो पेस्ट बना के रखा था उसकी छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ से बना देंगे। ये देखिए,
ये हमारा भाप से ही पकेगा। अब हम इसको ढक देंगे, ये भाप से पकेंगे 2 से 4 मिनट तक हम इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी, आप इसको बड़ी या पकौड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हो चुकी है। अब हम इसको, ये देखिए ये हो चुकी है, अलग बर्तन में इसको निकाल लेंगे। गैस पर हमने एक पैन रख दिया हुआ, अब हम इसमें 1-2 चम्मच के आसपास सरसों का तेल डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये जो हमारे पास पकौड़ियाँ हैं, इसको हम हल्का हल्का इस तेल में फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो, अगर नहीं करना चाहते फ्राई, तो वैसे भी इसको डाल सकते हैं। मैं इसको हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ। देखिए, इसको हम धीरे धीरे से हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना। वैसे तो ये बहुत अच्छे से बन चुकी है, टूटने का ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये टूटेगी, लेकिन फिर भी हम इसको सावधानी से हिलाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से ये बन चुकी है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं रोटी से। ये देखिए, तेल में फ्राई हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको अलग से रख देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला भी हो चुका है और इसने ये तेल छोड़ दिया। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितने आपको पानी की ज़रूरत होगी। अगर आपने रोटी से खानी है तो आप सूखा सूखा बना सकते हैं, चावल से खानी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले हम इसमें मसाला डालेंगे, गरम मसाला और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच। हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। हम 1 लोटा इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पानी हमारा उबल चुका है, जो मसाले वाला था। अब हम इसमें ये बड़ियाँ डाल देंगे, क्योंकि बड़ियाँ पानी भी सोखती है। एक एक करके हम सारी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। जो हमारा पानी दिखाई दे रहा है, ये सारी बड़ियों को, पकौड़ियों को सोख लेगा। तो ये अभी ऐसे ही रहेगा, बाद में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। ये देखिए, आप चावल के साथ आराम से इसको खा सकते हैं।